आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सफ़र की जो एक वीडियो बनी है वो मैं इंशाल्लाह आपसे एक अलग से, क्योंकि ये व्लॉग लंबा हो जाएगा तो वो अलग से शेयर कर दूंगा। तो हम पहुंच चुके हैं नाइल रिवर, जो है दरियाए नील जिसे कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये इसकी फ़र्स्ट एंट्रेंस है, इसके बाद चलते हैं आगे। और अंदर इंटर होते ही सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने थी वो था एक खूबसूरत सा साइन बोर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ था कॉमनवेल्थ फाउंडेशन 2007। अभी कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है क्या, 2007 में क्या हुआ और इसका युगांडा के साथ क्या ताल्लुक है, ये अब आके जल के आप सुने और जो है ना थोड़ा सा बोर होने के लिए तैयार हो जाएं। ब्लॉगिंग, मेरी ब्लॉगिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये बताऊँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये भी है कि साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, जो मेरा असल मकसद है इन्फॉर्मेशन कैरी करना, आप लोगों को बताना कि दुनिया में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, अच्छा छोड़ें ये बात फिर कभी करेंगे, चलें और फिर जो है ना थोड़ा सा बोर होने के लिए तैयार हो जाए। तो सीन कुछ यूँ हुआ कि जब 20वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर जिन रियासतों पर हुकूमत करती थी, वो रियासतें अब ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा चाहती थी। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश एम्पायर ने एक इदारा कायम किया नवंबर 1926 में, ब्रिटिश कॉमन वेल्थ फाउंडेशन के नाम से। 1926 से लेके 1949 तक इसमें सिर्फ वही रियासतें शामिल थीं जिन पे जो है ब्रिटिश हुकूमत करता आ रहा था, पर अप्रैल 1949 को लंदन की डिक्लेरेशन के बाद इसकी मेंबरशिप को जो है दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया गया। अब इसमें दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह है। कॉमनवेल्थ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और इसका जो हेड ऑफिस है लंदन यूके में मौजूद है, और जो इसकी हेड हैं वो क्वीन एलिजाबेथ टू हैं। इसके अलावा जो है कॉमनवेल्थ का मेंबर होने के काफ़ी फ़ायदे हैं, इससे मुल्क को इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाती है। अब पाकिस्तान की पोजीशन कॉमनवेल्थ में एक जैसी नहीं रही, कभी पाकिस्तान खुद निकल गया एहतजाजन, कभी इसको निकाल दिया गया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, तो पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा। कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान की काफ़ी मदद की। 1950 में कॉमनवेल्थ ने पाकिस्तान को सुई गैस के प्रोजेक्ट के लिए 1 मिलियन यूरो दिए। फरवरी 1972 में जब ब्रिटिश एम्पायर ने बांग्लादेश को तस्लीम किया, तो पाकिस्तान ने एहतजाजन ख़ुद को कॉमनवेल्थ से जो है अलग कर लिया। उस वक्त जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी। 1989 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, तो दोबारा जो है पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ का जो है मेंबर बना दिया गया। लेकिन फिर जब मार्शल लॉ लगी तो दोबारा पाकिस्तान को जो है कॉमनवेल्थ से निकाल दिया गया। पाकिस्तान ने 2004 में रिज्वाइन किया, लेकिन फिर 2007 जब जो है ये इजलास युगांडा में कंपाला में मुनक्कद हुआ, जिसका होस्ट युगांडा था और इसकी जो मेज़बानी जो है युगांडा ने की थी, तब पाकिस्तान इसमें से सस्पेंड कर दिया गया था, पाकिस्तान इस जो है मीटिंग में शामिल नहीं था। तो ये जो हिस्ट्री थी ये थी कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के हवाले से। अब आगे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। जी, तो यहाँ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो था गांधी जी का स्टैचू। अब ये स्टैचू यहाँ क्यों बनाया गया और इसकी क्या वजह है, देखिए वीडियो में क्या आ गया। अस्थियाँ ये गांधी जी की ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियाँ जो हैं दरियाए नील में बहाई जाएं, तो उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए उनके मरने के बाद ये स्टैचू यहाँ पे बनाया गया। जो इस जगह जहाँ पे अब हम मौजूद हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने बोट्स वगैरह कश्तियाँ खड़ाई हुई हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा जज़ीरा। अल्लाह की कुदरत जो है, यहाँ पे इस तरह के इलाकों में जब हम आते हैं तो हमें एहसास होता है अपने मालिक की कुदरत का।
बहुत ही खूबसूरत मनाजिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक जजीरा नुमा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके ऊपर इन्होंने अपने जो हैं छोटे छोटे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। और बहुत ही मौसम भी बहुत प्यारा है और मामलात भी बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे पिक्चर्स लिए हैं एक दो कैमरे से, और मेरे पीछे अगर आपको कैमरा अगर दिखा सके तो ये बादल, ज़रा क्लाउड्स देखें कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और वो सामने है एक ब्रिज जहाँ से गुजर के हम आए थे। यहाँ पे जो हैं कुछ छोटे छोटे जो शॉप्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे जो है अफ्रीका के कल्चर को जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद हैं। लकड़ी की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं लकड़ी की बनी हुई हैं। ये देखें ये कुछ पहनने के लिए और अजीब व गरीब से मामलात, ये कश्तियों टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, ये हाथी के दांतों को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इनके कल्चर के ड्रेसेस जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे कैफ़े बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत हट्स जो झोंपड़ियाँ टाइप जो है उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ये देखें, बिल्कुल जो है कल्चरल चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट यहाँ पे की गई हैं, बिल्कुल वुड है। और यहाँ पे ऊपर जो है वो हट्स यानी झोंपड़ी का मंज़र दिया गया है, और ये सारा जो है एक जो है इन्होंने रेस्टोरेंट्स की जो है छोटे छोटे कैफ़ेज़ की इनको शक्ल दी हुई है। हेलो हाउ आर यू, now we are on the river. This is the longest river in the world, river Nile. It covers 4 countries. Oh, it goes through 4 countries. We have Uganda, South Sudan, Sudan and Egypt. The fight reaches into the Mediterranean Sea. Yeah. Getting fish with hooks. Yes. Look at the bird. Oh, it's pelican fisher. Oh my gosh. Wow, that's pelican beautiful. Fisher. Yeah. It's beautiful. There's another one. There's another one. There's another one there. Yeah. ये जी कश्ती में जो है बोट में हम बैठ चुके हैं, और जो है अभी ये 30 मिनट का जो है हमारा ये सफ़र होगा। हमारे साथ एक अमेरिकन फैमिली भी, पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे विजिट के लिए आए हुए हैं। इनके साथ अच्छी गपशप हुई हमारी, जो है इनके जो फादर हैं उनका नाम टोनी है, जो मेरी बैक साइड पर आप इनको देख सकते हैं। और ये मौजूद हैं हमारे बाबा जी सफ़र इंजॉय करते हुए, और ये रहे रहील भाई। Now these are cormorants, small cormorants. Yes. Those ones. ये भी मेरी तरह हैं। For them, they swim in the water for like 2 hours looking for fish. Yeah, these ones here. जी तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये जर्नी जो है एंजॉय कर रहे होंगे। अब जो है यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दरियाए नील इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, इस्लाम में कुरान में इसका क्या जिक्र है, और ये किस वजह से मशहूर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद में दो दरियाओं का ज़िक्र है, जिनमें दरियाए नील सूरह अंबिया और दरियाए फरात सूरह फुरकान में शामिल है। ये दरिया बर अज़म अफ्रीका में वाकिया है, और दो दरियाओं नील अबीज़ और नील अर्ज़क से मिलकर तश्कील पाता है। दरियाए नील जिन ममालिक को लगता है उनमें सूडान, बुरुंडी, रवांडा, जमहूरी कांगो, तंजानिया, कीनिया, युगांडा, इथोपिया,
और मिस्र शामिल हैं। अगर दरिया नील की लंबाई किलोमीटर्स में देखी जाए तो 6,695 किलोमीटर बनते हैं और अगर यही लंबाई मील में देखी जाए तो 6,160 मील बनते हैं। जब मिस्र फतह हुआ तो अहले मिस्र ने फातह मिस्र हज़रत उमर बिन आस से कहा कि हमारे मुल्क में काश्तकारी का दारो मदार दरिया नील पर है। हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि हर साल एक हसीनो जमील कुंवारी लड़की दरिया में डाली जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो दरिया खुश्क हो जाता है और कहत पड़ जाता है। हज़रत उमर बिन आस ने उन्हें इस रस्म से रोक दिया। जब दरिया सूखने लगा तो हज़रत उमर बिन आस ने यह वाक़िया खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक को लिख भेजा। जवाब में हज़रत उमर फ़ारूक ने तहरीर फरमाया कि दीन इस्लाम ऐसी वैश्याना और जाहिलाना रसूम की इजाज़त नहीं देता, और आपने ख़त दरियाए नील के नाम लिख भेजा और उस ख़त को दरियाए नील में डालने का हुक्म दिया। इस ख़त का मज़मून कुछ यूँ था, बाद हमदो सलात के, मतलब ये है कि अगर तू अपनी तरफ से और अपनी मर्ज़ी से चल रहा है तब तो खैर ना चल, अगर अल्लाह ताला वाहिदो वकार तुझे जारी रखता है तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि तुझे रमा कर दे। ये पर्चा लेकर हज़रत अमीर अस्कर ने दरियाए नील में डाल दिया। अभी एक रात भी गुजरी ना थी कि जो दरियाए नील में 16 हाथ गहरा पानी चलने लगा और इसी वक्त मिस्र की खुश्क साली तरसाली से गरानी अरजानी से बदल गई। और ये वही दरिया है जहाँ फिराउन हज़रत मूसा के ताकुब में अपने लश्कर समेत गर्क हो गया था। वही दरिया है जहाँ पे हज़रत मूसा ने अपना आसा फेंका था और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। फिराउन का नामो निशान ना रहा और इस वाक़े को आज भी ज़रबे कलीम के नाम से याद किया जाता है और जाना जाता है। चलें जी, उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ से जो है दरिया नील अपना जो है सफ़र शुरू करता है। ये वो जगह है और यहाँ से अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे भी इन्होंने छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बना ली हैं। यहाँ से ये आ गए हम अंदर और आओ। ये लें जी, तो हम पहुंच चुके हैं मंजिल मकसूद पे। ये जो मेरे पीछे एक बोर्ड आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, द सोर्स ऑफ नाइल जिंजा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर मेरे पीछे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से दरियाए नील निकलता है अपना सफ़र शुरू करता है। और
जिस जगह अब हम जा रहे हैं ये सामने यहाँ पे एक जेल भी मौजूद है, जिस तरह के मुख्तलिफ कंट्रीज जो होती हैं जिनको इर्द गिर्द दरिया या समंदर लगते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपना जेल जो है ऐसी जगह पे बनाया जाए जहाँ से प्रिजनर कैदी जो हैं वो भाग ना सकें। मेरे सामने ये जगह है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो है ये जेल है जो इस वजह से ये यहाँ पे बनाई गई है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है सारा पानी है, यहाँ से कोई भाग ना सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दरिया नील जाऊं और आज़म शाकरी को भूल जाऊं? नहीं हो सकता। आप लिखते हैं कि सकूत उसका है सब्रे जमील की सूरत, मैं जिसके लब पे था सहरे तवील की सूरत, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं सुबह मुसर्रफ, गड़ा हुआ हूँ किसी घर में कील की सूरत, मैं रहता खैमाए जां अब कहाँ ये नस्ब करूँ, मैं रहता खैमाए जां अब कहाँ ये नस्ब करूँ, चटक रहा है बदन खुश्क झील की सूरत, उतर गया है पयंबर कोई मेरे अंदर, उतर गया है पयंबर कोई मेरे अंदर, ठहर गया हूँ मैं दरियाए नील की सूरत, ठहर गया हूँ मैं दरियाए नील की सूरत। आज़म शाकरी। अगर ये मेरे पीछे देखें आप तो ये जो पानी है ये बह रहा है और किसी हद तक ये पानी जो है ये स्टिल है। ये जो है झील का पानी है, झील का पानी जो है वो स्टिल रहता है जबकि दरिया का पानी जो है वो बहता रहता है। ये देखें अगर आप, ये पानी बिल्कुल तकरीबन स्टिल नज़र आता है जबकि इस तरफ देखें तो ये पानी बहता हुआ नज़र आता है। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है दरिया का सफ़र और झील का सफ़र और मिलाप और दरिया नील का आगाज़ जहाँ से हो रहा है, जहाँ से दरिया नील फूट रहा है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मेरी बैक साइड पे अगर आप देखें तो वही जगह है जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह मोहब्बतें देते रहे तो मैं ज़रूर अपने जिस हद तक मैं आप लोगों तक अपना अपनी ट्रैवलिंग नॉलेज की वीडियोस पहुंचाता रहा इंशाल्लाह पहुंचाता रहूँगा। और अब ये बाबा जी की तरफ, ये शेफ रामेश ने एक चैनल शुरू किया है बाबा फूड, बाबा फन आरआरसी के नाम से, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और दुआओं में याद रखिएगा। ये तमाम जो व्लॉग हैं ये शेफ रामेश के चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। हमारी मसरूफियात के हवाले से हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे घूम रहे हैं राहिल भाई के साथ, ये राहिल भाई आ जाए इधर आ जाए, ये राहिल भाई हमारे हैं, ये देखें, ये हमारा टारगेट है कम से कम भी एक वीक में 1,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए शेफ रामेश के चैनल पे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सफर ये देखें ये एंड हो रहा है हमारा। ये लें जी, तो बाबा जी ने भी अब कर दी है सिफारिश और सफर जो है इख्तिताम पज़ीर हो चुका है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।